चीजें नोट करनी है। और फिर क्योंकि जो आप दवा की सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर ये टेंडेंसीज मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये है कि जो मैसेज हैं वो रेगुलर है, वक्त पे आते हैं या अर्ली हैं या डिलेड हैं, और एक्सेसिव आते हैं, मिकदार में ज्यादा आते हैं, ये भी उस चैप्टर में लिखा हुआ है। एक्सेसिव की दवाइयाँ और हैं, सेकेंडरी की दवाइयाँ और हैं, मिकदार में कम होती है, ठीक है। और इनका कलर क्या होता है, कलर लाइट रेड होता है, डार्क ब्लैक होता है। मुझे खातून ने ना ये सारी बातें पूछा था, मुझे एक सवाल कर रहा, उसने कहा कि मुझे आप एक बात बताएं, मर्ज तो मेरे ब्रेस्ट में गिल्टी है। हाँ, मुझे सारे सवाल मैसेज पे किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर ये बातें उस्ताद बताते हैं कि इनको कैसे टैकल करना है सिचुएशन। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, कहती हाँ जी। मैंने कहा प्रेगनेंसी किधर होती है, तो वहाँ से ला गया, कहती यूट्रस में होती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उल्टी कहाँ से आती है प्रेगनेंसी, कहती वो मेदे से आती है। मैंने कहा क्यों, यूट्रस से क्यों नहीं आती। मैंने कहा ये है कि जो आपका यूट्रस है वो एक हार्मोनल सिस्टम आपकी बॉडी का है जो मेंसेस के जरिए होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जिस्म में कहीं भी गिल्टियां बन सकती हैं। हम आपके उस हार्मोनल इम्बैलेंस का पैटर्न समझना चाहते हैं ताकि हम उसको बैलेंस में लाएं, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। गिल्टी पे तो आप काम ही कोई ना करें, फिर उनको बात समझ आएगा, ठीक है ना। इस तरह की बातें जहन में रखें, बड़े सवाल हो जाते हैं। कलर कैसा है, लाइट है, रेड है, डार्क है, ब्लैक है, कैसा कलर है, और क्या ये ब्लड जो एक्रिड है, खराश पैदा करने वाला है, या ब्लैंड है, या सादा वाटरी है, वाटरी फ्लूड है, या क्लॉटेड है, उसमें क्लॉट तो नहीं होते। डज इट वॉश ऑफ इजीली, क्या ये आसानी से इसको धोया जा सकता है। और ऐसी दवाइयाँ भी आपको मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में मिलेंगी जिनको वॉश ऑफ ना किया जा सकता है, मतलब पानी फेंके वो आसानी से वॉश नहीं होता ब्लड, ठीक है। और कोई पिक्यूलियर स्मेल उसमें से कोई, अक्सर खातें कहती हैं ऐसी आती है जैसे मुर्दार मरा हुआ है, अक्सर ये कहती हैं, तो इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं वहाँ पर, रूब्रिक्स मौजूद हैं। तो निकोलिया के ऊपर सवाल करें कि निकोलिया कैसा है, उसका प्रेशर कैसा है, क्या मेंस्ट्रुएशन से पहले होता है, दरमियान में होता है, या बाद में होता है, किस तरह। और मैं पता नहीं आपसे मैंने इसके ऊपर कोई बात शेयर की थी कि नहीं की थी, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर कोई टिप शेयर की थी मैंने, नहीं की थी। जी हाँ, आपसे नहीं, आपसे की थी, इनसे नहीं, मेरे ख्याल में की थी। मेंस्ट्रुएशन में जो पेनफुल मेंसेज होते हैं उसमें पेशेंट ऐसी कंडीशन में होती है कि आप उसे केस नहीं ले सकते, केस नहीं ले सकते, शदीद दर्द में है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि बर्बरस वल्गैरस क्यू में उसको आप देख करके उसके मेंसेज की दर्द जो है विदिन 2-3-5 मिनट्स ख़त्म कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाए तो उसका आप केस लें। मैं इसको नहीं कहा कि इसको प्रैक्टिस बना लो, आपने मरीज को स्टेबल करना, स्टेबल होगा तो वो केस देगा ना। वो तो जनाब दर्द से लोट पोट हो रही है, इतनी शदीद दर्द है, ये मैं कहता हूँ कि इसमें होम्योपैथी की क्लोजन है। ये जितने दोस्तों ने इसको दिया इस कंडीशन में वो फेल नहीं होंगे। मैग्नीशियम और कार्लोसनस मत दें, आप सिर्फ इसको दें और फिर 5 मिनट में आप देखें कि दर्द गायब, और मरीजा जो है वो इतनी आपकी वो हो जाती है गर्दीदा कि डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी तो फ्यूजन काम नहीं करता था, ठीक है। उसका ट्रस्ट बना, अब आपको वो प्रॉपर केस देगी, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर दवाई का जो भी ले रहे हैं, मसूद की ले रहे हैं, तो ये दवाई काम करती है, ठीक है। और इसी तरह से जब स्टोन किडनी से टूट कर
यूरेटर में फंस जाती है, तो उस पर भी हमारी तकदीरें फेल हो जाती हैं और वो इतना पेनफुल कंडीशन होती है कि बार बार उल्टी भी आती है, तो हमें कभी कभी ओसिमम कैन भी लगती है, ठीक है ना। लेकिन वो ओसिमम कैन ने मुझे कभी इस तरह की चीज़ों में फ़ायदा नहीं दिया। तो जब स्टोन टूट करके यूरेटर में आ जाए और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन हो, तो आपकी दवाई आर्निका 1 ml डॉक्टर डी पी रस्तोगी ने बताई थी और मैं तब से देता हूँ और मैं कभी फेल नहीं गया इसमें, कभी यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन में मैं फेल नहीं गया। वो पथरी निकल जाएगी, दर्द खत्म होगा, दर्द खत्म हो जाएगा, पथरी पास हो जाएगी, वहां से पथरी निशाने में चल जाएगी। लेकिन आपको केस लेना पड़ेगा उसको मुकम्मल इस कंडीशन से निकालने के लिए। ये जो मैंने दो आपको चीजें बताई है ना, ये जस्ट फॉर एमरजेंसी, कि एमरजेंसी आपकी जो एमरजेंसी जो टैकल करने की सलाहियत होनी चाहिए वो भी 100% होनी चाहिए और वो रैपिड होनी चाहिए एलोपैथी से। ये अब हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपसे इस तरह का आखिर में डिस्कस होता रहेगा कि हमने एमरजेंसीज को कैसे टैकल करना है, कि आप दवाई दें बगैर सोचे समझे और वो मिनट दो चार में पेशेंट आपका स्टेबल हो। ये उसी पे है बिल्डिंग पे, कलर कैसा है, नेचर एक्रिल है, ब्रांड है, पीछे बात हो चुकी है। सेंसेशन ऑफ फ्लो, अच्छा फ्लो का जो सेंसेशन है वो क्या है। अच्छा वो खातून कहती है कि जब मैं उठती हूँ तो ऐसे कर जैसे यकदम ऐसे ब्लड निकल जाए, उसमें कुछ सेंसेशन यकदम ऐसे ब्लड निकल जाए। तो जो भी हुआ उसका खास लोकल लेवल की जो सेंसेशन है वो क्या है, क्वान्टिटी कितनी है और उसकी कोई भी मोडालिटीज अगर हैं तो वो आप लोग करें। बहुत मुश्किल है ना। अभी हम लेवल 2 में ही हैं। ये एक तासुर ना आप दोस्त ना, मैं सिर्फ पढ़ रहे हैं इसको, आप इसके मैसेंजर भी हैं सेंसेशन मेथड के। ये जो दोस्तों के दिमाग में गलत तासुर है ना कि हम क्लासिकल होम्योपैथी से दूर चले गए हैं, डॉक्टर साहब जज कर रहे होंगे हम क्लासिकल होम्योपैथी से दूर कोई नहीं गए, उसी में उसी की पॉलिश कर दिया उसने, उसको मजीद रिफाइन कर दिया, तो उसी में चल रहे हैं। और ये हमारे दोस्त पहले से काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के ऊपर, प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, खसूसन इंट्रा यूटराइन हिस्ट्री बच्चों के केसेस में बहुत जरूरी होती है। बच्चे की कंप्लेंट जो होती है छोटे बच्चों की, वो खुद तो नहीं बता सकता, आप उससे पूछते हैं कि जब ये माँ के पेट में था, जब ये पैदा होने वाला था तो माँ को क्या तकलीफ है। ठीक है, दो केस आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, एक सर एलम खान का केस है थैलीसीमिया का और उसी दवाई का मेरा भी अपना केस है। मेरे उनके पास एक केस आया डॉक्टर साहब पास, जो 8वें महीने खातून गिर गई, उनको चोट लगी पेट में, बच्चा जो पैदा हुआ उसको थैलीसीमिया था। ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने आर्निका 6 में स्टार्ट करा, थैलीसीमिया खत्म हो, बच्चा कंप्लीटली क्योर। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक छोटे से नन्ना मुन्ना से एक बच्चा लेके आए, आप यकीन करें उसको इतना मोटा चश्मा लगा हुआ, और वो मैं बड़ा हंस रहा था, मैंने कहा ये तो लगता है कि पढ़ता बहुत रहा है या कभी डॉक्टर साहब पता नहीं, चश्मा उतारो तो उसको फिल्टर ऐसे करो ना तो वो कुछ नहीं पता उसके पास, अच्छा चश्मा लगा दो तो फिल्टर ऐसे करो ऐसे से पकड़ो ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ये कभी डॉक्टर कहते हैं इसकी आई साइड भी। अब मैंने उसकी इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री दी, मैंने कहा कोई टेंशन परेशानी कोई दवाइयाँ खाई हो, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट भी आपको याद आता हो। कहती है कि ना ये 1 महीना पहले की बात है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो पानी का जगह पड़ा हुआ था, पता नहीं वो सही बात बता रही थी गलत बात बता रही, लेकिन असल कॉज ठीक ही था। उसने कहा मैंने उसको हाथ डालने को लेकिन मैं उसे गिर गई, चार पैसे गिरी हूँ मैं पेट के बाद। उसके बाद कहती मुझे वॉमिटिंग भी आई और हम डर गए कहीं अबॉर्शन आ, लेकिन कभी बेहतर हो गया, वो दर्द वर्द मेरे पेट में हुई है वो ठीक हो गई। तो फिर मैंने ना उसको आर्निका 6 दे दी,
आर्निका सेक्स मेरे ख्याल में हमने कुछ हफ्ते तक दी थी, फिर हमने उसको प्लाजो पे रखा, वो बच्चा ठीक दो महीने के अंदर अंदर है उसकी वो चश्मा उतर गया उसकी, आप वो बगैर चश्मे के देखे और वो चार नंबर का चश्मा लगा होता उसको ग्लासेस। अब ये देखे ना, ये जो आपकी जो इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के मामले में। इवन इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो खातून की डिजायर अवेरियंस होती हैं जो उस वक्त होती हैं, असल ट्रू पिक्चर वही होती है खातून। हो सकता है उसको मीठा पसंद नहीं है, लेकिन वो कहे कि हर प्रेगनेंसी में मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा तलब होती है, तो उसको मीठा ही उसकी डिजायर। और इसमें तमाम प्रेगनेंसीज का डिटेल है, कितनी प्रेगनेंसीज हुई हैं, कितनी फुल टर्म गई हैं, कितनी पहले होगी, कितने अबॉर्शन हुए, कितने बच्चे हैं, कितने जिंदा हैं, ठीक है ना, और अगर बच्चे फौत हुए तो उनके रीजंस क्या थे, ठीक है। और ये फुल टर्म होती थी, सजीरियन हुए, अगर सजीरियन हुए तो क्यों हुए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो प्रेजेंट कंप्लेंट दैट एग्रावेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो आपने पीछे चीफ कंप्लेंट ली है उनमें से कोई ऐसी भी कंप्लेंट है जो प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाती थी, ठीक है ना, वो भी नोट करें कोई ऐसी कंप्लेंट है उसकी। फिर हिस्ट्री ऑफ वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी में, कि वेरिकोज वेन्स में हो जाती स्वेलिंग हो जाती हो, कोई भूख कैसी हो जाती थी प्रेगनेंसी में, डायरिया हो जाता था कि नहीं होता था, अस्थमा की कंडीशन होती थी, कोई स्किन के प्रॉब्लम आते थे, थायराइड के इशू होते थे, ये शुगर हो जाती थी या कोई और चीज़ जो प्रेगनेंसी में उसको होती है। चेंज ऑफ माइंड, कोई मेंटल चेंज ड्यूरिंग फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम कहती है ना मज़ेदार चीज़ है, मुश्किल नहीं है और इसमें घबराना भी नहीं है। और ये है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में हमारी दवाइयाँ बदल जाती हैं, तो एक बंदा उसको फोन आया, इलेक्शन में खड़ा था, वो इलेक्शन हार गया, उसको फोन आया कि भाई आप हार गए इलेक्शन, वो जब कहा तो सडन बैड न्यूज थी, वो सुनी और धड़ाम से नीचे गिर गई। घर वालों ने कहा कि भाई वो डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, चलो डॉक्टर को बुलाओ, उन्होंने कहा जी वो जो डॉक्टर थे ना एलोपैथिक डॉक्टर वो तो इंग्लैंड गए हुए, तो कहते यार कोई डॉक्टर बुलाओ जल्दी से, कहते इधर कोने पे ना होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हैं उसको बुला रहे हैं। और मेरे डॉक्टर को ले आए वो सरदार जी थे, सरदार जी ने रजिस्टर उठाया हुआ पीछे एक असिस्टेंट अलामतें लिखने के लिए, सरदार जी ने आके देखा, कहता लिखो भाई मरीज बेहोश है, अच्छा कहता जी ये क्यों बेहोश हुआ, कहता जी इस तरह करके इलेक्शन में हार गए, कहता लिखो बुरी खबर से बेहोश हुआ। अब वो घर वाले तंग आ रहे थे एलोपैथिक, उन्होंने उनका वो तो उन्होंने कभी एलोपैथी देखी नहीं, होम्योपैथी देखी नहीं थी, उनका डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं दवाई दें, तो कहते देते हैं क्योंकि अपना प्रोसीजर पूरा करना है, कहते हैं प्रोसीजर पूरा करना है, अच्छा जी ये सदमा हुआ जी इलेक्शन में हारने से, लिखो अच्छा कितने वोटों से हारा वो उसका बेटा कहता है खुदा का नाम लो यार तुम दवाई दो तुम्हें वोटों से क्या मतलब, कहता नहीं भाई होम्योपैथी में 10,000 वोटों से हारने की और दवाई है 20,000 वोटों से हारने की। ये किस तरह का थोड़ा सा है।